नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु। राजस्थान ज्योग्राफी की इस श्रृंखला के अंदर ये टॉपिक आज से नया स्टार्ट होगा और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के साथ साथ अपन इंडियन ज्योग्राफी का जो भारत की जलवायु है उसका भी कुछ पोर्शन यहाँ पर पढ़ेंगे, वहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो देखो बच्चे, जलवायु क्या होती है? सबसे पहले तो अपन ये बात करेंगे कि जलवायु होती क्या है, ठीक है? जलवायु जो है इसके बारे में क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन कैसे पूछे गए, अब क्या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, तो ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे यहाँ पर। और आज अपन बात करेंगे जलवायु पर। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि जलवायु होती क्या है, जलवायु क्या है, ठीक है? देखो, आपने सुना होगा, एक तो जलवायु होगा, एक सुना होगा, एक मौसम सुना होगा और एक ऋतु सुना होगा। तो इन चीज़ों में क्या डिफरेंस है? स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि जैसे पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता है कि मौसम किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं। तो अपन को सारी की सारी चीज़ें समझनी है यहाँ पर और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। और आप सभी को पता है कि अपन एक बेसिक से स्टार्ट करके अपन हाई लेवल तक लेके जाते हैं उस चीज़ को। सबसे पहले मैं आपको उसके शब्दावलियों के बारे में चर्चा करते हैं अपन, यही ताकि अपना एक आधार मजबूत हो जाए, ठीक है? चलते हैं दोस्तों। देखो प्यारे दोस्तों, यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक तो होती है जलवायु, जलवायु, ठीक है? एक शब्द होता है मौसम और एक शब्द होता है ऋतु, और एक शब्द आपने सुना होगा पवन। इन चीजों में क्या डिफरेंस है? यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर देखो, मैं आपसे अगर ऋतु बता रहा हूं तो आपको ऋतु का ही पता नहीं कि ऋतु किसे कहते हैं, तो आप नहीं समझ पाओगे। पवन के बारे में बताऊंगा कि हवा इस तरीके से हवा चलती है, वह चलती है, तो हवा आपको ही समझ में नहीं आएगी हवा क्या है। तो सबसे पहले अपन को डेफिनेशन समझनी है। मौसम क्या है? तो मौसम भी आपको समझना है कि मौसम क्या है, ठीक है बच्चे? यहां पर अगर बात करें जलवायु की, तो जलवायु भी अपन को समझनी है कि जलवायु क्या है। तो अपन को ये जो शब्दावलियां हैं, ये 1, 2, 3 और 4, तो ये शब्दावलियों की जो डेफिनेशन है वो अपन को समझनी है बच्चे। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये जो डेफिनेशन है ये आपको बाद में बहुत ज्यादा काम में आएगी। चले बच्चे देखो, अब मैं किसी भी क्षेत्र की बात करूं, अब मैं किसी भी क्षेत्र की बात करूं, अगर किसी भी क्षेत्र में एक चीज बता रहा हूं, ताप, दाब वह आर्द्रता। क्या है बच्चा? ताप, दाब व आर्द्रता। इनको आप ताप, दाब, आर्द्रता कह दो या फिर इसे कह दो वायु मंडलीय दशाएं, ठीक है बच्चे? इसको आप ताप, दाब या आर्द्रता कह दो, या फिर इसको एक शब्द में भी अपन बोल सकते हैं वायुमंडलीय दशाएं, ठीक है बच्चे? यहां पर अगर अपन बात करते हैं ताप, दाब व आर्द्रता या फिर वायुमंडलीय दशाएं, एक शब्द होता है यहां पर दीर्घ कालीन, एक शब्द होता है बच्चे अल्प कालीन। एक तो होता है दीर्घकालीन, एक होता है अल्पकालीन। तो इन शब्दों के बारे में अगर अब मैं बात करूं, इन शब्दों के बारे में अगर बात करूं, तो एक अल्पकालीन हो गया, एक 3 से 4 माह, ठीक है बच्चे? तो यहां पर अगर मैं बात करूं, तो किसी भी क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। अब किसी भी क्षेत्र में राजस्थान भी हो सकता है, भारत भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, यानी कि किसी भी क्षेत्र, ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूं बच्चे किसी भी क्षेत्र की, तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु के बारे में बात कर रहा हूं, तो किसी भी क्षेत्र की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, ठीक है? आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, किसी भी क्षेत्र का ताप, दाब व आर्द्रता, किसी भी क्षेत्र का ताप, दाब व आर्द्रता अगर दीर्घकाल समय में, अगर दीर्घकाल समय में बदले, तो उसे अपन क्या कहेंगे? जलवायु। तो आपको समझ में आया होगा
किसी भी क्षेत्र का ताप दाब व आर्द्रता या फिर एक शब्द में बोल सकते हैं वायुमंडलीय दशाएं अगर दीर्घ काल समय में यानी कि लॉन्ग टाइम में बदले तो उसे हम अपन क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। अब लॉन्ग टाइम की बात करूं तो लॉन्ग टाइम ये 30 से 35 वर्ष हो सकता है, ठीक है। देखो बदल सकती है यानी कि बदल ही जाएगी किसी भी जगह की जलवायु, ठीक है। तो किसी भी जगह का यानी किसी भी क्षेत्र की ताप दाब व आर्द्रता या फिर वायुमंडलीय दशाएं दीर्घकाल समय में बदले तो उसे अपन क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी तरीके से किसी भी क्षेत्र का ताप दाब व आर्द्रता या फिर वायुमंडलीय दशाएं अगर अल्पकाल समय में बदले तो उसे अपन क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। किसी भी क्षेत्र का की वायुमंडलीय दशाएं, अब मैंने डायरेक्ट बोल दिया वायुमंडलीय दशाएं क्योंकि वायुमंडलीय दशाएं में तीनों शब्द यहां पर आ चुके हैं। किसी भी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाएं अल्पकाल समय में बदले तो उसे अपन क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। यानी कि मेरे प्यारे बच्चा मौसम कभी भी बदल सकता है, मौसम का भरोसा नहीं है। मौसम एक घंटे में बदल जाए, आधे घंटे में बदल जाए, 10 मिनट में बदल जाए, एक दिन में बदल जाए, यानी कि आपने सुना होगा मौसम की तरह कहीं बदल ना जाओगे तुम, ठीक है। तो वो गाना आपने सुना होगा, तो मौसम की तरह यानी कि मौसम कभी बदल सकता है, तो गाने भी इसके ऊपर बने हुए, ठीक है। तो अल्पकाल समय हो गया, कोई निश्चित समय नहीं है, ठीक है बच्चे। अब देखो किसी भी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाएं यानी कि ये तीनों आगे इसके अंदर, किसी भी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाएं अगर 3 से 4 माह में बदले तो उसे अपन क्या कहेंगे, ऋतु कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, ऋतु कहेंगे। किसी भी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाएं अगर 3 से 4 माह में बदले तो उसे अपन क्या कहेंगे, ऋतु कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, ऋतु कहेंगे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना, देख चलते हैं आगे। अब देखो अगर मैं पवन की बात करूं तो पवन क्या है, देखो बच्चे पवन की बात करूं या फिर हवा, हवा क्या है, देखो बच्चे यहां पर तो हवा क्या है, आपने सुना होगा कि जो तापमान है यानी कि एक होता है तापमान उच्च तापमान और एक होता है निम्न तापमान। यानी कि जो हवा है, ये हवा क्या है बच्चे, एक ठीक है, हवा क्या है बच्चे हवा, ये हवा क्या है, उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ क्या करती है, गति करती है। क्या करती है बच्चे, गति करती है। एक पवन का विशाल पुंज लेकर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी कि हवा क्या है, उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ चलती है और ये क्या करती है, विशाल हवा का एक पुंज यानी कि पवन का एक झुंड के रूप में चलती है, उसे कब क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी भाई, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर चलने वाला हवा का विशाल पुंज क्या कहलाता है, हवा कहलाता है, ठीक है बच्चे। तो यहां पर तीनों चीज आपके समझ में आ गई होगी। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जलवायु किसे कहते हैं, तो जलवायु किसे कहेंगे, किसी भी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाएं अगर दीर्घकाल समय में यानी कि 30 से 35 वर्ष में बदले तो उसे अपन क्या कहेंगे, जलवायु। और किसी भी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाएं अल्पकाल समय बदले तो उसे क्या कहेंगे, मौसम। और किसी भी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाएं अगर 3 से 4 माह में बदले तो उसे अपन ऋतु कहेंगे। और हवा जो है वो उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ एक विशाल पुंज यानी कि विशाल घेरे के समान चलती है, उससे अपन क्या कहेंगे, पवन कहेंगे, ठीक है। तो आप एक बार इसको आप बना सकते हो इसे कैसे, और मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। देखो बच्चे
जलवायु क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी क्षेत्र की वायु मंडलीय दशाएं, किसी भी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाएं यानी कि ताप, दाब व आर्द्रता, ठीक है, दीर्घकाल समय में बदले तो उसे जलवायु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चे? जलवायु कहते हैं, ठीक है। और दीर्घकाल कितना हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो दीर्घकाल 30 वर्ष से 35 वर्ष हो सकता है। कितना हो सकता है? 30 वर्ष से 35 वर्ष ये हो सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे भाई राजस्थान की जलवायु की डेफिनेशन दो, तो राजस्थान की जलवायु का क्षेत्र की जगह राजस्थान आ जाएगा। भाई राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की वायुमंडलीय दशाएं अगर दीर्घकाल समय बदले तो उसे जलवायु कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर दीर्घ मैंने किसी क्षेत्र लिखा, यानी कि कहीं पर भी अपन इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मौसम की बात करूं, मौसम क्या है? देखो बच्चे, मौसम क्या है कि किसी भी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाएं अगर अल्पकाल समय में बदले तो उसे मौसम कहते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे? मौसम कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर ऋतु किसे कहते हैं? ऋतु किसे कहेंगे? किसी भी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाएं, किसी भी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाएं अगर अल्पकाल समय में सॉरी अगर 3 से 4 माह में बदले, 3 से 4 माह में बदले तो उसे ऋतु कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चे? ऋतु कहते हैं। तो ये सारी डेफिनेशन आपके समझ में आ रही होगी, सबके समझ में आ रही है ना? चले देखो बच्चे, अब पवन किसे कहते हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलने वाला हवा का विशाल पुंज पवन कहलाता है, पवन कहलाता है। उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलने वाला हवा का विशाल पुंज पवन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? पवन कहलाता है। तो राजस्थान की जलवायु के अंदर अपन स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले अपन छोटी छोटी बातें पढ़ रहे हैं, उसमें अपन ने जलवायु को पढ़ा, मौसम को पढ़ा और ऋतु और पवन, इन सभी की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी। एक बार सभी बच्चे इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको उतार लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? चले बच्चे, समझ में आ रहा है सभी बच्चों के? चले देखो, अब सबसे अगर यहां पर कोई चीज अगर सबसे ज्यादा पूछी जाती है
तो यहाँ पर सबसे मेन जो चीज है बच्चे वो पूछा जाता है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, और दूसरा जो पूछा जाता है जलवायु से, तो दूसरा पूछा जाता है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये दूसरा सबसे फेवरेट है। तो बच्चे अगर आरपीएससी की बात करूं तो आरपीएससी का जो फेवरेट क्वेश्चन बनता है, एक तो कोपेन से बनता है और एक बनता है इसके प्रभावित करने वाले कारक से, ठीक है। तो वो दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी चीजें अपन यहां पर देखने वाले हैं। तो चले आगे देखो बच्चे, मिटा रहा हूं मैं इसको। तो एक एक चीज क्लियर होगी, ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप दूसरों को पढ़ा सकते हो। देखो बच्चे देखो, अब बात करेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे बच्चे। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक एक कारक मैं आपको बताता जाऊंगा कि जलवायु को कौन प्रभावित कर रहा है। तो पहला जो कारक अपने अपन पढ़ने जा रहे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो प्रभावित करने वाला जो कारक है वो सबसे पहला जो कारक है बच्चे वो कौन सा कारक होगा, अक्षांश, अक्षांश, ठीक है। ये अक्षांश की मैं बात करूं तो अक्षांश कैसे जलवायु को प्रभावित कर रहा है इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। देखो अक्षांश की बात करें तो ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है। इस पूरी पृथ्वी की मैं बात करूं तो इस पृथ्वी पे मैंने आपको बता रखा है कि सबसे बीचों बीच इस प्रकार से 0 डिग्री भूमध्य रेखा ठीक है, या फिर इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है बच्चे। यहीं पर अगर मैं बात करूं तो ये जो रेखा है इस रेखा की बात करूं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है बच्चे। इसी को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। इसी के ऊपर की बात करें तो ये जो रेखा है इसे कहेंगे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या फिर इसे कहेंगे आकर्षक वृत्त। क्या कहेंगे बच्चे, आकर्षक वृत्त। और यहां पर अगर बात करें तो ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या फिर इसको अपन उत्तरी ध्रुव भी बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, ठीक है बच्चे। इसी प्रकार से नीचे यहां पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या फिर इसी को कहते हैं मकर रेखा, ठीक है बच्चे। यहां पर अगर बात करें 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या फिर इसी को कहते हैं अंटलांग टिक व्रत, कोई दिक्कत यहां तक। और यहां पर है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या फिर इसी को कहते हैं दक्षिणी
ध्रुव। आप सभी को यह तो पता होगा कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो है, ये 0 डिग्री भूमध्य जो रेखा है, इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध और इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है बच्चे, अब देखो यहां पर इस प्रकार से ये सूर्य है, ये सूर्य जो है, ये सूर्य क्या करता है, पृथ्वी पर प्रकाश डालता है, ये इसकी प्रकाश की किरणें यहां पर आ रही है पृथ्वी पर। तो प्रकाश की किरणें इस पर आती है तो सबसे ज्यादा जो प्रकाश पड़ता है वो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से लेकर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीच में लंबवत पड़ता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश वर्ष भर कर्क रेखा, ये कर्क रेखा आ गई, और कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में लंबवत पड़ता रहता है। अब 12 महीने तक, पूरे वर्ष भर 12 महीने तक कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में लंबवत पड़ेगा। अगर 12 महीने तक सूर्य का प्रकाश किसी एक ही जगह पर लंबवत पड़ता है तो वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये टेम्परेचर यहां पर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चे, यहां पर उष्णता होगी, यानी कि गर्मी ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी तो उष्णता, यानी कि यहां पर कौन सा जलवायु पाई जाएगी, उष्ण कटिबंध जलवायु। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है बच्चे, अब देखो आगे की बात करते हैं। अब क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है ये धीरे धीरे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपनी दिशा से विचलित होगा। इसकी किरणें, कुछ किरणें तो पृथ्वी पर पड़ेगी और कुछ किरणें पृथ्वी से बाहर चली जाएगी, यानी कि पूरी की पूरी किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी। अगर यहां पर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में अगर 100% किरणें पड़ रही है, तो अगर मैं बात करूं आकर्षक वृत्त और कर्क रेखा के बीच में, यहां पर कुछ किरणें बाहर निकल जाएगी, ये किरणें बाहर निकल गई, ठीक है, ये आउटसाइड चली गई पृथ्वी के, और कुछ किरणें इसके अंदर आएगी, तो यहां पर 70% किरणें कहां जाती है, उत्तरी, यानी कि 65.5 से 23 के मध्य, यानी कि यहां पर ज्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि यहां पर किरणें 100% पड़ रही है, यहां पर 70% ही पड़ रही है, तो यहां पर कम है। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, यहां पर देखो एक तो शीत भी है, यहां पर शीत प्लस यहां पर क्या हो रही है, उष्णता भी है, उष्णता भी है। तो अगर मैं शीत प्लस उष्णता को अगर मैं एक साथ लिखूं तो शीतोष्ण लिख सकता हूं क्या, अपन संधि विच्छेद करते हैं ना उसमें, तो क्या इसको क्या बना दिया मैंने, शीतोष्ण। तो यहां पर कौन सी जलवायु पाई जा रही है बच्चे, शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण जलवायु, या फिर इसी को कहते हैं उपोष्ण जलवायु, शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर 100% किरणें पड़ रही है, यहां पर 70% पड़ रही है, और जब अपन ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश जो है वो ज्यादातर बाहर की तरफ निकल जाता है, तो यहां पर 30% ही किरणें पड़ती है। कितने प्रतिशत पड़ रही है बच्चे, यहां पर 30% ही किरणें पड़ रही है, ये 30% ही किरणें यहां पर पड़ती है, और मैक्सिमम किरणें कहां चली जाती है, बाहर की तरफ चली जाती है। तो यहां पर सर्दी ज्यादा पड़ रही है, इसलिए यहां पर कहेंगे शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, ये कटिबंधीय जलवायु। कोई दिक्कत यहां तक, यानी कि मेरे प्यारे बच्चा यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो ये जो है, यानी कि कर्क रेखा से आकर्षक वृत्त, यानी कि 23.5 उत्तरी से 65.5 उत्तरी तक कौन सी जलवायु है, शीतोष्ण। तो यहां पर भी कौन सी हो जाएगी, शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण। ये दक्षिण गोलार्ध में भी क्या है, शीतोष्ण या फिर उपोष्ण जलवायु। ठीक है, 23.5 दक्षिण अक्षांश से 65.5 दक्षिण अक्षांश के मध्य कौन सी जलवायु पाई जा रही है, शीतोष्ण या उपोष्ण जलवायु। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो 65.5 से, हाँ बिल्कुल सही है, 65.5 से 90 के बीच में कौन सी पाई जाएगी, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध दिए जलवायु। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना बच्चे, देखो अब यहां पर
यानी कि बच्चे ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे अक्षांश पार कर रहा हूं मैं, ये 0 डिग्री हूं, ये 0 डिग्री से जैसे जैसे मान लो कि मैं ध्रुव की तरफ जा रहा हूं, मैं दक्षिणी ध्रुव भी जा सकता हूं तो दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव भी जा सकता हूं, तो मैं जा रहा हूं दक्षिणी उत्तरी ध्रुव की तरफ, तो जैसे जैसे अक्षांश पार कर रहा हूं तो यहां पर उष्णकटिबंधीय, लेकिन जैसे ही मैं अक्षांश आगे जाता हूं तो यहां पर जैसे ही मैं 23.5 को कूदता हूं, ठीक है, आगे जाता हूं तो वहां पर क्या हो जाएगी, शीतोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय, फिर आगे जाता हूं तो वहां पर शीत कटिबंधीय जलवायु आ जाती है। यानी कि मैं जैसे जैसे अक्षांशों को पार कर रहा हूं तो जलवायु में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि जलवायु जो है, जलवायु को अक्षांश क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जलवायु को क्या करते हैं, अक्षांश प्रभावित करते हैं। यानी कि जलवायु का पता अक्षांशों से भी चलता है, जलवायु का पता अक्षांशों से भी चलता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना, चले आगे लिखवा देता हूं, लिखो इसमें एक बार ये डायग्राम, पहले लिख लो फिर डायग्राम बना लेना। ठीक हो, पृथ्वी पर अक्षांश लगा लेना, फिर उसके बाद लिखना। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से जैसे जैसे अक्षांश पार करते हैं तो जलवायु में परिवर्तन होता है, ठीक है, जलवायु में क्या हो रहा है, परिवर्तन होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अक्षांश जलवायु को प्रभावित करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि अक्षांश जलवायु को प्रभावित करते हैं, अक्षांश जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलें देखो। अब ये डायग्राम आपको बनाना है, यहां पर ऐसा कैसे बना लो, क्योंकि डायग्राम से चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। डायग्राम बना सकते हो यहां पर एक बार, चलें देखो। अब बात करते हैं अपन दोस्तों आगे के कारक की। तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपको बता दिया, आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया और पीछे क्वेश्चन पूछा भी गया कि निम्न में से जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। अगर आपको अक्षांश वहां पर मिल जाए तो आप करोगे कि नहीं करोगे, कर दोगे ना। अगर आपको अक्षांश वहां पर मिल जाए तो आप करोगे कि नहीं करोगे, कर दोगे ना बच्चे, क्योंकि आपको अभी एक ही पता है। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे सारे ही प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या पता चला, एक अक्षांश, तो अक्षांश जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, चलें देखो। देखो बच्चे, एक चीज पढ़ ली, अब दूसरी चीज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समुद्र से दूरी, ठीक है, नियरेस्ट ऑफ सी, क्या बोलते हैं बच्चे, नियरेस्ट ऑफ सी, समुद्र से दूरी। तो ये अपन इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी किसी भी स्थान की, तो क्या उससे भी जलवायु का परिवर्तन होता है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर होता है। अब देखो बच्चे, यहां पर कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं। अब क्या चीजें समझाऊंगा, पहले इधर देख लो आप, देखो पानी की बात कर रहा हूं मैं, और एक ये तो पानी हो गया, ठीक है, यानी कि एक कह रहा हूं पानी है, और एक कह रहा हूं स्थलीय भाग। अब पानी की मैं बात कर रहा हूं और किसकी कर रहा हूं मैं, स्थलीय भाग की भी मैं बात कर रहा हूं, दोनों ही चीजों की मैं क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। अब पानी की बात कर रहा हूं तो जैसे आप घर के अंदर, जनरली घर के अंदर जब पानी को गर्म चढ़ाते हो तो पानी क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, पानी क्या हो रहा है, धीरे 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 गर्म होता जाता है, गर्म होता जाता है। ठीक है बच्चे, पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, पानी क्या हो रहा है बच्चे, धीरे धीरे गर्म हो रहा है, और धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा।
यानी कि देरी से गर्म हो रहा है और देरी से क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो देखो बच्चे, पानी जो है ये धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ठीक है। और ये क्या होगा, धीरे धीरे ही, धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा। पानी की प्रकृति ऐसी है, पानी की क्या प्रकृति है कि धीरे धीरे गर्म होता जाता है और धीरे धीरे क्या होता जाता है, ठंडा। अब स्थलीय भाग की बात कर रहा हूं, भूखंडिक भाग की बात कर रहा हूं मैं, स्थलीय भाग की। तो स्थलीय भाग क्या होगा, जैसे क्या हुआ अभी, तो जैसे इस अपने घर के अंदर क्या होता है कि सुबह सुबह क्या होती है, थोड़ी ठंड रहती है, जैसे सूरज निकलता है तो एकदम से अपना जो छत होता है ऊपर से वो क्या हो जाता है, बिल्कुल तप जाता है, यानी कि एकदम से क्या हो गया, वो तप गया। या फिर अपने बाहर का जो मैदान है वहां पर जैसे सूर्य निकलता है तो एकदम गर्म हो जाता है वो, यानी कि भूखंड क्या होता है दोस्तों, एकदम से गर्म हो जाता है, यानी कि स्थलीय भाग एकदम से गर्म हो गया और जैसे सूर्य गया तो वैसे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये जल्दी क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठीक है, ये जल्दी गर्म हो रहा है और जल्दी क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो क्या हो रहा है देखो, यहां पर जल्दी ही गर्म और जल्दी ही ठंडा, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो रहा है, ठीक है। यानी कि स्थलीय भाग की प्रकृति कैसी, जल्दी फटाफट क्या होता है, गर्म हो जाता है, फटाफट क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और पानी क्या होता है, ये धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। अब देखो जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूं अपना, ये भारत है, जैसे भारत है, ठीक है। अब इस भारत की मैं बात करूं तो इधर तो क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, अरब सागर। तो अरब सागर है और एक इधर बंगाल की खाड़ी है, तो यानी कि यहां पर भी क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, और यहां पर भी क्या भरा हुआ होगा, जल भरा हुआ है। और मैंने कहा था आपको कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर क्या है, स्थल भाग, स्थलीय भाग है, ये पूरा का पूरा स्थलीय भाग है, ये भी है तो स्थलीय भाग, लेकिन ये भारत के इधर क्या है, अरब सागर। अब क्या होता है कि ये जो जल है, ये जल की अगर ऋतुओं की बात करता हूं, तो एक तो होती है शीत ऋतु, शीत ऋतु, और एक होती है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। देखो बच्चे, शीत ऋतु या फिर ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो 3 से 4 महीने की ग्रीष्म ऋतु और 3 से 4 महीने में क्या होती है, शीत ऋतु आ जाती है। अब ये जो जल है, ये जल क्या होता है, 3 से 4 महीने में क्या हो गया, गर्म हो गया, क्या हो गया बच्चे, गर्म हो गया, ठीक है। 3 से 4 महीने में क्या हो गया, धीरे 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 करता करता क्या हो गया, गर्म हो गया। और 3 से 4 महीने में जब ये शीत ऋतु आती है तो ये एकदम से ठंडा नहीं होगा, ये धीरे 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 ये जल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चा, जब गर्मी से ये गर्मी में पानी गर्म हो गया था और फिर अगर शीत ऋतु आई यानी कि ठंड का मौसम आया, तो इस समुद्र का पानी कैसा था, गर्म था, लेकिन जैसे जैसे सर्दियां खत्म होती है तो फिर ये क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब देखो, पहले गर्म था, फिर 4 महीने में ठंडा हुआ, फिर क्या हुआ, यहां पर गर्मी आ गई, मान लो कि वापिस गर्मी आ गई, तो गर्मियों में जो जल होता है वो ठंडा होता है और सर्दियों में जल क्या हो जाता है, गर्म रहता है। यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं गर्मियों की बात कर रहा हूं, गर्मी गर्मी की बात कर रहा हूं, गर्मी का समय है, गर्मी के समय में यहां पर हवा चलेगी, ये हवा चल रही है, जब ये हवा यहां पर चलेगी तो ये हवा गर्म गर्म हवा चल रही है, गर्म गर्म हवा चल रही है, ठीक है। ये गर्म गर्म हवा जब अरब सागर के ऊपर या किसी भी सागर के ऊपर जाएगी, जल के ऊपर यह गर्म गर्म हवाएं जाएगी, तो देखो गर्मियों में तो यहां का पानी कैसा होगा, ठंडा होगा, क्योंकि 4 महीने में ठंडा हो गया, गर्मियों में ये पानी ठंडा है तो ये गर्म हवाएं क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, सही है ना। और जब ठंडी होगी तो ठंडी बनकर आगे की तरफ जाएगी स्थलीय भाग पर, और यहां पर अपने स्टेट है, ठीक है, यहां पर महाराष्ट्र है, गुजरात है, इस प्रकार से सारे के सारे स्टेट यहां पर है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। अब यहां से ठंडी ठंडी हवा यहां पर जा रही है इन स्टेट में जो तट पर स्थित है, कोस्टल रेंज पर जो स्टेट स्थित है वहां पर क्या हो जाएगी, ठंडी ठंडी हवा जा रही है। और जब यहां पर ठंडी ठंडी हवा जा रही है तो इन क्षेत्रों में ठंडी ठंडी हवा जा रही है तो यहाँ के लोगों को क्या अनुभव हो रहा है, अच्छा अनुभव हो रहा है इनको, इनको अच्छी ठंडी ठंडी हवा मिल रही है, ठीक है। तो देखो समुद्री क्षेत्र यानी कि तटीय समुद्र के जो तट पर जो स्टेट है
उनको गर्मियों में ठंडी हवा आती है उनके, तो अच्छा महसूस होता है, ठीक है। लेकिन अगर सर्दियों की बात करता हूँ, सर्दियों में चलते हैं अपन। अब जैसे मौसम क्या है, सर्दियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम है। देखो बच्चे, अब सर्दियों का मौसम आ गया, शीत ऋतु आ गई। अब शीत ऋतु में तो देखो जल कैसा हो रहा है, गर्म हो रहा है, क्योंकि चार महीने में, तीन से चार महीने में गर्म जल क्या हो गया, गर्म हो गया। और गर्म होता है तो ये क्या होगा, फिर गर्म हो गया यहां पर जल, ठीक है बच्चे। अब जब गर्म हो गया, अब शीत ऋतु आई, तो ये जल कैसा है, गर्म है। यानी कि ठंड के मौसम में सागर का जल कैसा है, गर्म है। अब यहां से सर्दियों में हवा चल रही है, अब सर्दियों में जैसे हवा चलेगी तो यहां से सर्दियों में ठंडी ठंडी हवा चलेगी भाई। कैसी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब ये ठंडी ठंडी हवा कहां से जाएगी, कहां पर जाएगी, अरब सागर के ऊपर जाएगी, यानी कि इस जल में जाएगी बच्चे, जल के ऊपर जाएगी। अब ये जल तो कैसा है, गर्म है, इधर से ठंडी हवा आ रही है, गर्म जल के ऊपर जाएगी, तो ये गर्म जल इस ठंडी हवा को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। और तटीय जितने भी स्टेट है यहां पर गर्म गर्म हवा जाएगी, यानी कि ठंड के मौसम में गर्म हवा मिल रही है, यानी कि हीटर का काम कर रही है। और जब हीटर का काम करेगी तो उनको कैसा महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा। यानी कि ये पता चल रहा है बच्चे कि जो हवा है समुद्र के तट पर जो स्टेट है, ये क्या करते हैं बच्चे, यहां पर गर्मी में तो ठंडी हवा आती है और ठंड में गर्म हवा आती है, तो ये क्या है, वातावरण कैसा हो गया, अनुकूल हो गया, अच्छा वातावरण हो गया, और अच्छे वातावरण में अच्छा ये जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो बच्चे, अब देखो यहां पर गर्मी के अंदर ठंडी आ रही है, माना कि गर्मी के अंदर ठंडी आ रही है, लेकिन जैसे जैसे इस समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी, ये जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, यानी कि यहां पर देखो महाराष्ट्र है, अब महाराष्ट्र से ऊपर जाएगी, जैसे एमपी में चल गया, एमपी आ गया, ठीक है। एमपी के बाद यहां पर राजस्थान आ गया, ठीक है। यहां पर यहां पर यह जाएगा हरियाणा जाएगा। तो यहां पर जैसे जैसे यहां से समुद्र से दूरी बढ़ती जा रही है, तो यहां पर स्थलीय भाग है, और यहां पर राजस्थान में तो क्या है, अपने पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, तो ये यहां पर अगर मान लो कि ठंड के अंदर अगर गर्म हवा आ रही है, तो ये गर्म हवा आगे जाकर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर मान लो कि सर्दी गर्म ग्रीष्मकालीन में, यानी कि गर्मियों के अंदर यहां पर ठंडी हवा आ रही है, तो समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो ये क्या होती जाएगी दोस्तों, ये ठंडी होती जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज और समझाता हूं मैं आपको, यहां पर यानी कि समुद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी तो क्या होती जाएगी, इनकी जलवायु में चेंजेज होता जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखो यहां पर एक चीज समझाता हूं, माना कि अगर मैं बात करूं गर्मियों का समय है, ये गर्मियां हैं, अब गर्मियों में हवा चल रही है, गर्मियों में क्या चल रही है, हवा चल रही है। अब समुद्र के ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो ये क्षेत्रों में जाएगी तो यहां पर ठंड पैदा करेगी, तो यहां पर ठंड पैदा करेगी क्योंकि ये हवा क्या लेके जा रही है, समुद्र से नमी लेकर जा रही है, और नमी को इस स्थान पर छोड़ रही है, तो यहां का क्षेत्र कैसा हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चे, आर्द्र हो जाएगा। लेकिन ये नमी को यहां छोड़ रही है, ठीक है, माना कि 100% नमी लेकर जा रही है, तो 100% नमी को तटीय स्टेट में छोड़ देगी, ठीक है। देखो 100% में से माना कि 70% तो यहीं पर छोड़ दी, जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ती जाती है तो नमी में भी कमी होती जाएगी, तो यहां पर 30% ही नमी हो गई, तो यहां पर 20% होगी, यहां 10% होगी, यानी कि जैसे जैसे ये हवाएं ऊपर की तरफ जाएगी तो नमी को छोड़ती जाएगी, नमी कम होती होती जाएगी, और लास्ट में अगर मैं राजस्थान तक की बात करूं तो राजस्थान के अंदर इन हवाओं में कोई नमी होती नहीं है, तो यहां पर कौन सी ऋतु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय पाए जाएंगे यहां पर, ठीक है, उष्णता पाई जाएंगे यहां पर, उष्णता। और यहां पर क्या पाई जा रही है, शीत, या फिर आर्द्रता पाई जा रही है, आर्द्र जलवायु, आदर जलवायु। तो मेरे प्यारे बच्चा, समुद्र के पास में जो स्टेट है वहां पर आदर जलवायु, लेकिन समुद्र से जैसे जैसे दूरी आगे बढ़ेगी तो वहां पर क्या हो जाएगी, हवाएं शुष्क होती जाएगी, वहां पर उष्ण जलवायु पाई जाएगी। तो यहां तक कोई दिक्कत, चले आगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखो, यहां पर लिखो पहले समुद्र से दूरी, नियरेस्ट ऑफ सी लिखो, समुद्र से जैसे जैसे समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, तो समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो
हवा में नमी की कमी होती जाती है, ठीक है, और उष्णता का प्रसार बढ़ता जाता है, और उष्णता का प्रसार बढ़ता जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समुद्र से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आया। चलते हैं आगे और बताते हैं अपन आपको। देखो, तो मैंने दो कारक आपको यहाँ पर बताए। कौन कौन से कारक बताए? एक तो अक्षांश बता दिया, समुद्र से दूरी बता दिया। अब देखो, ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, अब बात करेंगे अपन दूसरी, वर्षा, रेन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वर्षा की बात करेंगे। अब देखो बच्चे, अब मैं आपसे जनरली क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जनरली मैं आपके क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जहां पर बारिश ज्यादा होती है, माना कि जहां पर बारिश ज्यादा होती है वहां पर क्या क्षेत्र ठंडा होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सही है सर, कि जहां पर बारिश ज्यादा होगी वहां का क्षेत्र हमेशा ठंडा होगा। ठीक है, सही बात है ना। और जहां पर बारिश कम होगी वहां का क्षेत्र क्या हो जाएगा? गर्म होता जाएगा। यानी कि जहां पर वर्षा ज्यादा तो वहां पर तापमान कम, और जहां पर वर्षा कम वहां पर तापमान ज्यादा। अब देखो बच्चे, यहां पर वर्षा के बारे में, वर्षा जहां पर वर्षा ज्यादा वहां तापमान कैसा होगा? तापमान ज्यादा। ठीक है, एरो पर है तो ज्यादा है। अब देखो यहां पर, जहां पर वर्षा कम वहां पर तापमान ज्यादा। ठीक है बच्चे, यानी कि वर्षा ज्यादा होगी तो तापमान क्या होगा? कम होगा, और जहां पर वर्षा कम होगी वहां पर तापमान ज्यादा होगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे अगर राजस्थान की बात कर रहा हूं तो राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है तो वहां का तापमान कम होता है। ठीक है, और अगर मरुस्थली क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर वर्षा कम होती है तो वहां का तापमान ज्यादा होता है। तो तापमान ज्यादा होता है तो वहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, और इधर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, क्योंकि आर्द्रता ज्यादा है वहां पर। ठीक है, नमी ज्यादा है वहां पर। ठीक है, वहां पर बारिश ज्यादा हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि वर्षा भी क्या करती है? जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करती है। वर्षा भी जलवायु को प्रभावित करती है। चले आगे, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है, मिटा रहा हूं मैं इसको। कोई दिक्कत तो नहीं है। चले देखो, तो मैंने आज कितने बता दिए आपको? तीन यहां पर प्रभावित करने वाले कारक बता दिए। तीन यहां पर प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको बता दिए। ठीक है बच्चे, तो इसके बाद में अपन कल बात करेंगे, और कल अपन इससे नेक्स्ट यानी कि प्रभावित करने वाले और भी कारक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जो अब पीछे के नोट्स हैं, सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल रहे हैं, सारे वीडियोस आपको मिल रहे हैं, तो सबको पढ़ते जाइए। और जय हिंद, जय भारत।